इंदौर प्रशासनिक संकुल को दलालों से मुक्ति दिलाने के बाद अब इंदौर जिला कलेक्टर टीएनसीपी कार्यालय पहुँचे थे। आज इंदौर में टीएनसीपी कार्यालय जिस वक्त इंदौर जिला कलेक्टर पहुँचे, हड़कंप की स्थिति वहाँ पर बन गई और जो लोग वहाँ पर थे, जो दलाल लोग थे, वो भागते नज़र आए। जब वहाँ पर पहुँचने के बाद इंदौर जिला कलेक्टर ने वहाँ की फाइलों को खंगाला तो काफ़ी अनियमितताएँ फिलहाल उनको वहाँ पर मिली। उन्होंने जाँच के आदेश भी दिए हैं। उसी के बाद जो वहाँ का स्टाफ था, जब उनसे जानकारी निकाली गई तो उन्होंने कहा कि जब से आपने आदेश निकाला है दलाल मुक्त करने के लिए, तभी से यहाँ पर काफ़ी शांति। लेकिन उसके बावजूद इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ हिदायत दी है कि इसके पहले जो लोग काम नहीं करते थे, जो लोग दलालों का काम करते थे, अब वो साफ समझ लें, बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर दलालों की भूमिका में वह भी लिप्त होते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो दलाल वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि इसके पहले इंदौर जिला कलेक्टर ने इंदौर तहसील कार्यालय को दलालों से मुक्त किया है, कई दलालों पर कार्रवाई भी की है। उसी के तहत आज जो है इंदौर जिला कलेक्टर टीएनसीपी कार्यालय पहुँचे और वहाँ पर काफ़ी लोगों से वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो उन्होंने काफ़ी अनियमितताएँ वहाँ बताई, जिसमें कुछ समस्याएँ थी वहाँ पर लोगों को बैठने की, पानी की, और दूसरी उनकी जो फाइल होती है उसकी फाइल की लोकेशन उन्हें नहीं मिल पाती कि कहां पर फाइल दूसरी जगह पहुंचेगी, कब उनको मिल पाएगा, कब उनका काम हो पाएगा। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे जिन्होंने कलेक्टर को सुझाव दिए और वो सुझाव काफ़ी अच्छे उनको लगे और उन सुझावों को उन्होंने आगे बढ़ाने और अमल में लाने की बात कही। इंदौर कलेक्टर का साफ कहना है कि अगर किसी प्रकार का जो है यहाँ पर लेन देन होता है या किसी प्रकार से यहाँ पर कोई अधिकारी किसी भ्रष्ट काम में लिप्त पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैं भी करूंगा और दूसरा आगे उसकी फाइल को पहुंचाया जाएगा ताकि भोपाल में भी इस चीज़ को लेकर अमल में लाया जाए। क्योंकि इंदौर जिला कलेक्टर का साफ कहना है कि जो लोग पहले दलालों का काम करते थे, जो आम लोग हैं जिनका काम होना चाहिए, जिनसे हमारी सरकार को काफ़ी मदद मिलती है, उसी तरह यहाँ पर भी जो लोग आते हैं जो काम करवाने, उनका काम किया जाए, ना कि दलालों का काम किया जाए, ना कि बड़े बड़े ऐसे लोगों का जो पैसा देकर वहाँ पर काम करवाते हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।